बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज एक्सरसाइज 11.3 में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें कहते हैं कि वन साइड ऑफ द ट्राइंगुलर गार्डन इज 30 मीटर। ये एक ट्राइंगुलर शेप का गार्डन है, ठीक है, और इसमें एक साइड जो है ए बी और सी, एक साइड हम लेते हैं कि वो कितना है 30 मीटर है। इफ इट्स टू कॉर्नर एंगल इज आर 22 होल 1/2, कहते हैं कि अगर इसका एक एंगल अल्फा जो है वो बराबर है कितने का, 22 होल 1/2 डिग्री का, और दूसरा जो एंगल है वो बराबर है 112 होल 1/2 डिग्री का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर। तो कहते हैं कि इसमें जो ग्रास बोते हैं उस ग्रास का पर ₹5 पर स्क्वायर मीटर खर्चा आता है, तो इस गार्डन पर ग्रास का कितना खर्चा आएगा, ठीक है। तो पहले हम इस गार्डन का एरिया फाइंड करते हैं और फिर हम कॉस्ट ऑफ ग्रास फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अल्फा कितना है, 22 होल 1/2 यानी 22.5 डिग्री, और बीटा कितना है वो 112 होल 1/2 यानी 112.5 डिग्री है, और सी कितना है वो 30 मीटर है। अब जब हम इस गार्डन का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए देखिए ये दो एंगल्स हमारे पास गिवन है और एक इसका जो एडजेसेंट साइड है वो गिवन है। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो कौन सा है, एट एरिया ऑफ ट्राइंगुलर गार्डन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, ये बराबर है 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गेमा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास गेमा नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड गेमा। सो सिंस एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा बराबर होता है 180 डिग्री के, अब अल्फा क्या है हमारे पास 22.5, बीटा क्या है 112.5 प्लस गेमा इज इक्वल टू 180, इन दोनों को प्लस करें और 180 से इसको सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो ये 135 आएगा। 130 ये दोनों जब प्लस करेंगे तो 135, सो 180 से 125 सब्ट्रैक्ट करें तो जो गेमा है वो 45 डिग्री के बराबर है। अब हम एरिया ऑफ गार्डन मालूम कर सकते हैं। इक्वेशन वन में हम वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन वन में हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो जो एरिया है वो बराबर होगा 1/2 सी स्क्वायर, सी बराबर है 30 स्क्वायर साइन अल्फा, अल्फा क्या है 22.5 साइन बीटा, बीटा क्या है 112.5 डिवाइडेड बाय साइन गेमा 45 डिग्री, ठीक है 45। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये 1/2 30 स्क्वायर 900 और साइन 22.0382 क्या आता है 0.382 और ये साइन 112
923 होल डिवाइडेड बाय 945 और 0.7 क्या था 707 ठीक है। इसको सिंपलीफाई करें ये 450 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आता है 450 और इसको डिवाइड करें 0.707 से 224.41 स्क्वायर मीटर। तो ये क्या है, ये 224.4 स्क्वायर मीटर के इस गार्डन का एरिया है ठीक है स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट ऑफ ग्रास पर स्क्वायर मीटर वो कितना है, वो 5 रुपीज है, 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट है ग्रास का। और हमारे पास एरिया कितना है, वो इतना स्क्वायर मीटर है। तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ ग्रास वो कितना होगा, 5 को मल्टीप्लाई कर ले 224.4 स्क्वायर मीटर से इससे मल्टीप्लाई कर ले 22 रुपीज। तो इसका मतलब ये है कि इस गार्डन पर ग्रास का खर्चा कितना आएगा 11.22 जैसे कि बराबर।